हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजाताज किचन एंड लाइफस्टाइल। और मैं हूँ सुजाता। तो अक्सर हमारे घर में मिठाइयाँ बनती हैं, जैसे रसगुल्ला और जलेबियाँ बनती हैं, तो चाशनियाँ बच जाती हैं। तो उस चाशनी का को मैं आज इस्तेमाल करके नारियल की बर्फी बनाने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनेगी। उसके पहले, मेरे चैनल पर नए आए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से नारियल की बर्फी। तो बर्फी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैं यहाँ पे देखिए डेसिकेटेड कोकोनट लिया है मैंने, यानी कोकोनट नारियल का बुरादा। तो उसको मैंने यहाँ पर हल्का रोस्ट कर लूँगी मैं, जिससे उसका हल्का कच्चापन निकल जाए और सौंधापन आ जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर उसको हल्का सा भूनूँगी, बस गर्म करना है बस, और उसके बाद उसको निकाल लेती हूँ। फिर उसी पैन में मैं यहाँ पर देखिए, ये मेरी चाशनी है, केसर वाली चाशनी है ये, और इसमें देखिए कैसे घी जम गई है। तो मैंने ये गुलाब जामुन बनाए थे वो घी में बनाई थी, वो घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए ये घी जम गई है। तो घी हमें चाहिए भी, चाशनी में डालनी भी थी, तो जिससे कोकोनट की बर्फी ज़्यादा हमारी कड़ा ना हो, हार्ड ना हो, जिसे सॉफ्ट रहे। तो अगर आपकी चाशनी में घी वगैरह नहीं है तो आप एक चम्मच घी चाशनी में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, चाशनी को गाढ़ा करना है जमने वाली कंसिस्टेंसी में। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी और केसर डाल दी है और दो हरी इलायची डाल दी है कूट के, और इससे मैं अच्छे से पका लूँगी चाशनी को। देखिए एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। तो अब मैं इसमें जो हमने बुरादा को रोस्ट करके रखा था, भून कर रखा था, वो ऐड कर देंगे और अच्छे से चाशनी के साथ बुरादा को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये मिक्स हो चुकी है अच्छे से, गैस बंद कर देंगे और एक थाली लेंगे और उसमें अच्छे से घी लगा देंगे। इसी थाली में हम इसे बर्फी को जमा देंगे। तो और इस सारे मिश्रण को हम इसमें फैला देंगे अच्छे से। अच्छे से दबा दबा के हम फैला लेंगे और ठंडा होने देंगे। आप एक घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। और ऊपर से मैं इसमें नारियल का बुरादा थोड़ा डाल दूँगी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये उतना बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। और देखिए ये मेरी ठंडी हो चुकी है बर्फी, सेट हो चुकी है बिल्कुल। तो हम चाकू की मदद से अच्छे से काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी बर्फी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप भी बनाइएगा और ट्राई कीजिए, मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।